नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश पाल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DRX मेडी हेल्प में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 46 टैबलेट के बारे में। दोस्तों ये जो 46 टैबलेट है वो तो नहीं चार नहीं पूरे 72 घंटे तक आपके लिंग में रिएक्शन को बनाए रखती है। वो कैसे काम करती है, इसको किस समय लेना होता है, किस तरह से लेना होता है जिससे उसके जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे मिले और इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं सभी जानकारी आपको दूंगा। लेकिन दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों ये जो 46 टैबलेट है इसके अंदर टेडाफिल 20 mg होता है। दोस्तों ये सिल्डेनाफिल की तरह ही बिल्कुल उसी ग्रुप क्लास की मेडिसिन है, वैसे ही काम करती है, लेकिन इसके जो रिजल्ट हैं वो सिल्डेनाफिल से लाख गुना बेटर हैं। और फ्रेंड्स ये जो टेडाफिल 20 mg टैबलेट है ये कोई अगर व्यक्ति खाता है तो उसकी बॉडी में जाने के बाद कैसे रिएक्शन करती है, यानी कि इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। फ्रेंड्स ये जो टेडाफिल टैबलेट है हमने आपको बताया फॉस्फोडिएस्टेरोन टाइप 5 ग्रुप क्लास की मेडिसिन है। तो ये जो हमारी बॉडी में PDE5 एंजाइम होता है ये उसको इनहिबिट यानी कि खत्म करती है जिससे लिंग में रिएक्शन बना रहता है। फ्रेंड्स ये क्यों खत्म करती है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि हमारे जो पिनाइल ब्लड वसल्स होती हैं, जो रक्त वाहिकाएं हैं छोटी छोटी, उनमें नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ये नाइट्रस ऑक्साइड क्या करता है कि CGMP का निर्माण करता है और ये जो CGMP होता है यही लिंग में इरेक्शन को बनाए रखता है। फिर हमें गोली खाने की जरूरत नहीं है अगर ये CGMP बना रहे। लेकिन दोस्तों ये जो PDE5 एंजाइम है ये क्या करता है कि CGMP को खत्म करता है जिससे लिंग में इरेक्शन नहीं हो पाता है। तो ये टैबलेट क्यों खानी पड़ती है, ये टैबलेट इसलिए खानी पड़ती है कि जो PDE5 एंजाइम है जो CGMP को खत्म कर रहा है उससे खत्म ना कर पाए, जो टैबलेट होती है ये PDE5 एंजाइम को ही खत्म कर देती है। तो ये पूरा प्रोसीजर है, इस तरह से ये काम करती है। और फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इसकी डोजेज के बारे में, इसको किस तरह से लेना चाहिए और कब लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसको आप यौन संबंध बनाने से 30-60 मिनट पहले लेंगे तो आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि ये जो अपना असर दिखाती है वो 30-60 मिनट ले लेती है अपना असर दिखाने में, उसके बाद आप पूरा एंजॉय कर सकते हैं। और दोस्तों इसकी जो साइड इफेक्ट हैं वो सिल्डेनाफिल से कम होते हैं, लेकिन फिर भी किसी किसी व्यक्ति को सिर में दर्द हो सकता है, उसको आंखों के सामने धुंधला नजर आ सकता है, देन उसको पेट में दर्द हो सकता है, उसको वॉमिटिंग डायरिया की समस्या हो सकती है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हैं जो देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।